एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चन नोट किए हैं। स्टेपिंग जो 3 क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 10.1 के एंड नेक्स्ट स्टेप 10.2 के। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू आवर्स। आपको डेज भी दे रखा है। ओके, हमें डेज को दे रखा है आपको, और डेज का किस में कन्वर्ट करना है आपको, आवर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। अब आपको यहाँ पे कितने डेज दे रखे हैं, 4 डेज। तो 4 डेज पे कितने आवर्स होंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, 4। तो आंसर आएगा 96 आवर्स। इट मीन्स 4 डेज पे कितने आवर्स होंगे, 96 आवर्स। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू मिनट। आपको आवर दे रखे हैं, मिनट दे रखी है, और आपको किस पे कन्वर्ट करना है, मिनट को, मिनट पे कन्वर्ट करना। तो मिनट्स को तो हम चेंज करेंगे नहीं, हम किसको कन्वर्ट करेंगे, ओनली आवर्स को चेंज करेंगे। ओके, सो फर्स्टली 1 आवर, 1 आवर में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट्स। ओके, सो 3 आवर में कितनी मिनट्स होगी, 3 आवर्स इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 3, 180। ओके, 180 मिनट्स। आपको क्वेश्चन में कितनी मिनट्स देके रखी है, 10 मिनट्स। 180 प्लस 10 मिनट्स इज इक्वल टू 190 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट इनटू सेकंड। हमें इसको किस पे कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। ओके, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको वैल्यू देके रखी है 80 मिनट 5 सेकंड। मतलब इट मीन्स हमें मिनट को कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। देन 1 मिनट इज इक्वल टू कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड्स होती है। क्वेश्चन में दे रखा है 18 मिनट, तो 18 मिनट्स में कितनी होगी, 60 मल्टीप्लाई बाय 18, 100 कितना होगा, 1080 मिनट्स, 1080 सेकंड्स। आपको सेकंड की वैल्यू पूछी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में कितनी सेकंड दे रखी है, 5 सेकंड। तो हम 5 सेकंड्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा, 1085 सेकंड्स। ये जो 3 क्वेश्चंस थे, ये थे एक्सरसाइज 10.1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 10.2 में। 10.2 में जो क्वेश्चंस है वो है आपको हमें कन्वर्ट करना है डेज में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू डेज एंड आवर्स। आपको आवर्स लेके रखी है, आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, डेज में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है कन्वर्ट इनटू डेज एंड आवर्स। आपको 1320 आवर्स दे रखे हैं, 1320 आवर्स को आपको कन्वर्ट करना है डेज में। सबसे पहले 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 24 आवर्स से कितने डेज बनते हैं, 24 आवर्स में होता है 1 डे। इट मीन 1320 आवर्स में कितने डेज होंगे, तो 1320 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू आंसर आएगा 55 डेज। इट मीन्स 1320 आवर्स में कितने डेज होंगे, 55 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू आवर्स एंड मिनट। आपको 660 मिनट दे रखी है, आपको उसको कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आवर्स की वैल्यू है, आपको बड़ी यूनिट में चेंज करना है। तो 60 मिनट्स, 60 मिनट्स से कितने आवर बनता है, 1 आवर। सो क्वेश्चन में दे रखा है 660 मिनट्स को आपको कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, 660 डिवाइडेड बाय कितने से डिवाइड करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 60 से। ओके, सो 60 1 6
6061. क्या आंसर है? 11. ओके, 11 तो क्या आएगा? 11ers. यहाँ पे अगर रिमाइंडर होता, बट यहाँ पे रिमाइंडर कितना है? 0. इट मीन्स यहाँ पे मिनट की वैल्यू नहीं है. यहाँ पे जो 600 जो हमारा 14th आया है वो बन जाएगी बड़ी वैल्यू. तो और मिनट में बड़ी वैल्यू किसकी होती है? अर्थ की होती है. तो 660 मिनट्स में कितने आवर होंगे? 11 आवर्स होंगे. ओके, लास्ट है कन्वर्ट इनटू मिनट एंड सेकंड. आपको सेकंड देके रखा है, वो सेकंड को हमें किसमें कन्वर्ट करना है? मिनट में और आवर में. हमें पता है 60 सेकंड से कितनी मिनट बनती है. 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट. आपको क्वेश्चन में कितनी सेकंड दे रखी है? 1500 सेकंड्स. 1500 सेकंड से कितनी मिनट बनेगी? 1500 को हम कितने से डिवाइड करेंगे? 60 से. तो 1500 डिवाइडेड बाय 60, 0, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ आएगा 300. ये आया था 2 टाइम, और यहाँ पे 6 के टेबल में 30 कितने टाइम आता है? 5 टाइम, 25. सो कितना आंसर आएगा? 25. यहाँ पे रिमाइंडर नहीं है, इसकी सेकंड की कोई वैल्यू नहीं है. एज इट इज आपका 1500 सेकंड्स में कितनी मिनट्स होगी? 25 मिनट्स. अगर यहाँ पे रिमाइंडर होता तो रिमाइंडर की वैल्यू कौन बनती? सेकंड की वैल्यू बनती. ओके, सो एक्सरसाइज 10.1 के 3 क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज 10.2 के 3 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं. ये आपको अपनी नोटबुक में